हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। बारह के स्टेमरे सर, आज हम बात करते हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सर्वप्रथम आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हमको देखना है बेटा कि आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया है ना, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं कि आव्यूह रूपांतरण। ठीक है, तो देखिए आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें आप फर्स्ट देखेंगे तो क्या होता है कि किसी भी है ना, किसी आव्यूह, हम ये बोल सकते हैं कि किसी आव्यूह के है ना, किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर क्या कर सकते हैं, परस्पर क्या कर सकते हैं कि बदला जा सकता है। ठीक, तो देखिए अगर मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये अगर मैट्रिक्स मैंने बोला ए इज इक्वल टू, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जा सकता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 4, 5, 6, 1, 2, 3 एंड 7, 8, 9। ठीक है, तो हम इस प्रकार से किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को या स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं। क्लियर, देखते हैं इसका सेकंड जो नियम कहता है वो ये कहता है कि किसी आव्यूह के है ना, हम ये कह सकते हैं कि किसी आव्यूह के किन्हीं है ना, किसी आव्यूह के किन्हीं एक पंक्ति है ना, किन्हीं एक पंक्ति या हम ये कह सकते हैं स्तंभ है ना, क्या बोल सकते हैं कि स्तंभ किसी एक पंक्ति या स्तंभ में एक अदिश राशि का गुणा होता है या हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मान के चलिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स हमने कहा कि 1, 2, 4, 3 है। ठीक, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में हम किसी अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं। मान के चलो मुझे, मैंने एक बोला कि के इज इक्वल टू 3, तो मैं जब के ए बोलूँगा तो इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये कहता हूँ कि मैं अगर इस 3 का देखो, यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि के इस 3 का मल्टीप्लाई मुझे पंक्ति किसी एक पंक्ति में करना है या किसी एक स्तंभ में करना है, चलो स्तंभ में कर देते हैं, यहाँ पर ये पहले स्तंभ में कर देते हैं, 3 एकम 3 2 तो रहेगा और 3 चौ 12 और ये 3 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी एक पंक्ति में, ठीक है सॉरी, अभी तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए था कि 1 और 4 लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू ये हो जाता 3, 12 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी हम एक अदिश राशि का किसी एक है ना, किसी भी एक मैट्रिक्स में है ना, किसी भी एक मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं बेटा हम बात थर्ड नियम की। थर्ड नियम में क्या होता है कि किसी आव्यूह है ना, किसी आव्यूह के है ना, किसी एक पंक्ति या हम कह सकते हैं या स्तंभ को दूसरी पंक्ति या स्तंभ जिसमें अदिश राशि का गुणा किया गया है उसमें जोड़ सकते हैं जोड़
सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या कहता है बेटा, कि किसी आव्यूह के किसी एक पंक्ति या स्तंभ को दूसरी पंक्ति या स्तंभ जिसमें अदिश राशि का क्या किया गया हो, गुना किया गया हो, उसमें क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको तीन नियम याद रखने हैं। पहला तो क्या हो गया कि किसी आव्यूह के किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदला जा सकता है, यानी परस्पर पंक्तियों पंक्ति से पंक्ति को परस्पर बदलेंगे या स्तंभ से स्तंभ को बदलेंगे, ठीक। दूसरा क्या है, किसी आव्यूह के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में एक अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी अगर हम आव्यूह की बात करें तो उसके किसी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक राशि का, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं। थर्ड क्या कहता है कि किसी आव्यूह के किसी एक पंक्ति या स्तंभ को दूसरी पंक्ति या स्तंभ जिसमें अदिश राशि का गुणा किया गया है उसे जोड़ सकते हैं या उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये आपको तीन नियम याद करने हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह की, कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह में हम कहें कि यदि ए, ठीक है, हम ये बात कहें कि यदि ए, यदि हम क्या कह सकते हैं कि ए कोटि एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह हो, एक वर्ग आव्यूह है। हमने कहा कि यदि ए कोटि एम क्रम का एक क्या है, वर्ग आव्यूह है, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि AB is equal to BA is equal to I, है ना, क्या हो गया कि AB is equal to BA is equal to I, तो बी को ए का, है ना, तो हम क्या कहेंगे, बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं जिसे A inverse से प्रदर्शित करते हैं तथा हम ये कह सकते हैं कि इस दशा में हमें कह सकते हैं कि इस दशा में ए को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय कहते हैं या आव्यूह कहते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। क्या कहा, देखिए कि यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह में यदि ए कोटि एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, है ना, यदि जो ए है वो कोटि एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह का कहने का मतलब है, कोटि एम क्रम मतलब अरे एम क्रॉस एम होगी ना, है ना, वर्ग आव्यूह तभी तो होगा, वर्ग आव्यूह है, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि AB is equal to BA is equal to I, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं, तो बी को ए का क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, जिसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, इस दशा में ए को व्युत्क्रमणीय कहते हैं। क्लियर बात रहेगी इतनी। अब देखो आपके पास एक सेंटेंस आ गया, क्या आया यहाँ पर कि AB is equal to BA is equal to I, ये आपको याद रखना है, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके पहले मैंने आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया बताया था, उनको भी याद रखना है क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है एक्सरसाइज में, क्लियर, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो ये जब कंडीशन दी गई है तो हम इसको एक मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मान लिया जाए कि माना ए इज इक्वल टू, हमने कहा कि ये 2, 3, 1 and 2 है, वह बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, -3, -1 and 2, ठीक है, दो मैट्रिक्स से ले लिए हमने। तब अगर मैं ए इंटू बी कहूँ, ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू लिख दीजिए इंटू ये बी की वैल्यू लिख दीजिए, ठीक, इज इक्वल टू। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 3, ठीक,
फिर दो कितना हो जाएगा, दो तिया छः, फिर तीन दूनी छः, ठीक, फिर दो एकम दो, फिर दो एकम दो, एक तिया मतलब तीन और तीन कितना होगा, दो दूनी चार। समझ में आता है कि नहीं किस प्रकार से गुना करते हैं? एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, क्लियर, ठीक, समझना, ठीक, जिसको नहीं आता वो एक्सरसाइज देख ले पुनः। इज इक्वल टू कितना होगा देखो, 1001, ठीक, और ये बेटा किसकी वैल्यू है, तो ये आई की वैल्यू है, होती कि नहीं आई की वैल्यू। अब देखो बी ए निकाल देते हैं, बी ए इज इक्वल टू, तब कितना हो जाएगा, बी ए की बात करें तो हो जाएगा 2 - 3 - 1 n2 जाएगा 2 3 1 2, चलो इज इक्वल टू, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, फिर दो तिया छः, तीन दूनी छः, फिर ऋण एक गुनी दो, तो ऋण दो धन दो, फिर ऋण तीन और दो दूनी चार इज इक्वल टू, देखो एक चार में से तीन गया तो एक, छः में से छः गया तो जीरो, दो में से दो गया तो जीरो, ऋण तीन धन चार एक इज इक्वल टू आई, क्लियर है? तो क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देखो दोनों कंडीशन इक्वल दिख रही है, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो बी होता है वो ए का व्युत्क्रमणीय है, या ए जो होगा वो बी का व्युत्क्रमणीय होगा, क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रमणीय अवयव की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होंगी। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए प्रमेय नंबर एक, प्रमेय नंबर एक क्या दिया है, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। कहने का मतलब, थ्योरम का मतलब समझो कि किसी वर्ग आव्यूह, मान के चलिए कोई वर्ग आव्यूह है मेरे पास, है ना, उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम का अगर अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। मतलब कि किसी भी वर्ग आव्यूह जो होता है उसका व्युत्क्रम की एक और केवल एक होता है, ये बात कहनी है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई आव्यूह है और उसका मैं अगर व्युत्क्रम देखना चाहता हूँ तो उसका व्युत्क्रम केवल एक हो सकता है ना, अद्वितीय का मतलब केवल एक, एक और केवल एक, एक और केवल एक का मतलब अंकों वाला एक नहीं है ना, उसका अस्तित्व जैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि मेरा प्रतिबिंब एक ही होगा, मेरे जैसे ही दिखेगा, है ना, मेरा प्रतिबिंब किसी अन्य व्यक्ति के जैसे दिखेगा क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है, इसकी बात करेंगे, चलो ठीक। तो क्या हो गया, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। तब देखो इसकी उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति क्या होता है, उपपत्ति में देखो क्या हो जाएगा बेटा कि मान लेते हैं कि माना ए है ना, माना ए क्या हो जाएगा, कोटि एम क्रम का, एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। चलो देखो मैंने डेफिनेशन से लिख लिया है, यदि ए कोटि एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, क्लियर, तथा तथा अब हम ये बोल सकते हैं कि ए के है ना, तथा हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है ना उसके, तथा मान लिया जाए कि माना ए के दो व्युत्क्रम है ना, माना ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह, आव्यूह कौन कौन से बेटा, बी है व सी है, बी व सी है। इतनी बात समझ में आ गया, मैंने कहा कि माना ए कोटि एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह है तथा माना ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह बी व सी है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब बी और सी है तो मुझे ये प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, ये प्रूव करना है। क्यों प्रूव करना है यार, क्योंकि ये अद्वितीय कह दिया है उसने, ये कहा है ना अद्वितीय है क्या, क्लियर, तो ये मुझे बताना है। तब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, आव्यूह, आव्यूह ए का है ना, आव्यूह ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यदि बी है, बी है तो है ना, क्या हो गया कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम क्या हो गया, अगर बी है तो आप ये लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, आई, ये बात होनी चाहिए। तो इसको देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, वह यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम सी हो तो, सी हो तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। इसको दे देते इक्वेशन नंबर सेकेंड, तब ठीक, तब
मुझे बी के इक्वल लाना है, तो बी इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ, बी इज इक्वल टू मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है सी, बी के इज इक्वल टू मुझे क्या लाना है सी, तो मैं बी इज इक्वल टू बी आई बोल सकता हूँ, बी इज इक्वल टू बी आई बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो क्यों और कैसे, देखो ध्यान से। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू आई बोल सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू आई बोल सकते हैं, अरे इक्वल है तो इसको छोड़ देते हैं ना, तो क्या मैं इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा, क्या होगा बोलो जल्दी से, ये होगा हमारा आई और ये हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर जाने पर ये हो जाएगा बी, इनवर्स होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर इनवर्स था, तो इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स होगा, इतनी बात क्लियर हो रही है, ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये बी बी नहीं है, बी को हम क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से, ये ए बी है तो b इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स होता है, b इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स होता है, तो मैं इसको बोलूंगा a और ये a इनवर्स इज इक्वल टू i बोलूंगा, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम ही तो होता है यार, ठीक, मैंने बताया था आपको कि इस दिशा में a को व्युत्क्रमणि कहते हैं और इसके a इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, तब क्या हो जाएगा कि इस मैं b की जगह जब a इनवर्स लिखा तो a इज इक्वल टू इसको a को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये ए आई हो जाएगा कि नहीं, तो समझ लीजिए कि अगर मैंने बोला b है तो ये a व्युत्क्रमणि होगा, मतलब इसको b ए को मैं बी इनवर्स बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू आई, इसका ट्रांसफर इधर करूंगा तो बी इज इक्वल टू बी आई होगा, सो आई राइट नाउ बी इज इक्वल टू बी आई लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो चलो ठीक इज इक्वल टू, अब देखो बी की जगह बी लिखा लेकिन आई की वैल्यू ए सी है तो मैं ए सी बोल सकता हूँ आई की जगह ए सी, क्लियर, अब देखो कि यदि मैं बी ए सी लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको बी ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बी ए इन टू सी लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब देखो ना बी ए इज इक्वल टू कितना आई है तो इसको आई लिखेंगे और इसको सी लिखेंगे तो आई सी हो गया, है ना, क्या हो गया आई सी हो गया, और ये जब आई सी हुआ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ आई लिख सॉरी आई सी इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ कि नहीं, सेम इसी प्रकार से आप बी बी आई इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं तो आई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, सो देखो बी इज इक्वल टू सी निकल गया, सो बी इज इक्वल टू क्या हमको फाइंड हो गया सी हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू सी, और यही क्या करना था हमको प्रूफ करना था, क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका प्रमेय नंबर एक, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रमेय नंबर दो की, क्या कहता है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आवयु हो, यदि ए तथा बी समान कोटि के कौन से आवयु है, व्युत्क्रमणीय आवयु है, तो हमें बात करनी है, तो हमें क्या बात करनी बेटा कि ए बी है ना, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक, तब देखो इसकी उपपत्ति की बात करेंगे, किसकी बात कर लेते हैं, इसकी उपपत्ति की बात करते हैं, ठीक, उपपत्ति क्या होगी, तो देखो ध्यान से क्या काम कर लेते हैं, क्या मैं इसको, या अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई बोल सकता हूँ, क्या बोला मैंने, ए बी है ना, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई बोल सकता हूँ, कहाँ से, तो व्युत्क्रमणीय से, है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यू की परिभाषा से, बात समझ में आ गई, इसको आव्यू व्युत्क्रमणीय आव्यू की परिभाषा से लिख दिया। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, क्योंकि ए बी और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, बताओ देखो ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, पता था ना, इसको लिखना नहीं, ये मैंने रफ्तार किया था इधर, ठीक, चलो ठीक। अब इसको मैं दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए और ये हो जाएगा बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई होगा, क्लियर। अब देखिए ना, ये ए इनवर्स ए है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है आई, तो मैं इसको आई राइट कर सकता हूँ आई, और ये हो जाएगा बी, और ये कितना हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स आई, इतनी बात समझ में आ गई, चूंकि यहाँ लिख भी देते हैं हम, चूंकि ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, क्लियर। अब देखिए क्या मैं आई बी को, या मैं ये कह देता हूँ कि जो आई बी है, अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या दिख रहा है, आई बी दिख रहा है, अब मैं क्या कह देता हूँ कि अगर दोनों पक्षों से, है ना, अब ये बात समझ लो कि आई बी देखो ध्यान से, अब आई बी इज इक्वल टू क्या होता है बी होता है, आई बी इज इक्वल टू बी, अब मैंने लिख देता हूँ कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो अगर मैंने कहा, मैं ये बात कहता हूँ कि देखो ना ध्यान से, अगर ए इनवर्स को यहाँ रख दिया जाए, ए को इधर ट्रांसफर कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम रफ्तार की तरह समझेंगे, यहाँ पर समझते हैं, मैंने कहा
कि ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई कहा, तो अगर मैं ए को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ए इनवर्स हो जाएगा। सो आई बी इज इक्वल टू, अब देखो ना ध्यान से, आई बी इज इक्वल टू बी होता है ये तो पता है अपने को, आई बी इज इक्वल टू बी, देखो आई बी इज इक्वल टू बी ठीक है। लेकिन अब एक बार ध्यान दे से देखो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा ठीक। अब देखिए ध्यान से, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, बी इनवर्स का गुना करेंगे, क्या करेंगे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी इंटू ए बी ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई, क्या काम करेंगे, सॉरी बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो क्या करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखो ना, बी बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, तो आई ए बी ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब देखो ए ए इनवर्स है, सॉरी आई ए इनवर्स, देखो ना ध्यान से, आई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, बात समझो, आई ए बी इनवर्स यानी आई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, मतलब आई ए बी ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू ए बी ऑफ होल इनवर्स होगा कि नहीं, इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ठीक है। और मुझे यही प्रूव करना था, आगे समझ में कैसे प्रूव करते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखिए क्या कहता है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है ना, कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करते हैं ठीक है। तो देखिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि यदि यदि ए कोटि एम क्रम का एक वर्ग आव्यूह हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। आप इस बात को याद रखना बेटा ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका यूज़ मैं कहाँ करने वाला हूँ, प्रश्न में करने वाला हूँ ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए। यदि मैं देखो ध्यान से अब कि हम क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर, कि अगर आई का ध्यान से देखो कि अगर इसका ट्रांसफर हम इधर कर दें है ना, बात समझो अच्छे से, मैं क्या बोलने वाला हूँ उस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसफ़र इधर कर दूँ और इसको लेफ्ट में लिख दूँ, इसको राइट में लिख दूँ, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू बी ए। देखो ध्यान से, मैंने इसका अगर इधर ट्रांसफ़र किया होगा तो ये क्या हुआ होगा, इधर जाने पर इनवर्स हुआ होगा, और ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है ठीक। तो इसका ऐसा लिख सकते हैं ठीक। अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, अब ये ए होगा और ये हो जाएगा ए इनवर्स, तो हम इसको लिखेंगे ए ए इन आई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है इज इक्वल टू, अब इसको लिखूंगा बी ए इंटू ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, अभी बताया था मैंने, तो आई, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, तो बी लिख दिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए ठीक है। तो यही होता है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फार्मूला है कि ए इज इक्वल टू आई ए, आप इसको नोट कर लीजिए, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 क्या दिया गया बेटा, कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है ना, ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा है ना, हमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा यहाँ पर या जो आव्यूह ए है इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, मतलब ए इन्वर्स ज्ञात करना है ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करनी है, क्लियर है, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप हल में यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ए, या क्या बोलना है यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू आई ए के प्रयोग से, प्रयोग से ठीक है, यानी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। मैंने आपको बताया था कि ए इज इक्वल टू आई ए को आपको याद रखना है ठीक। अब देखिए ए के जगह हम लिखेंगे जो वैल्यू दी है 1, 2, 2 and -1 क्लियर इज इक्वल टू। अब देखो बेटा आई की जगह, देखो आई की वैल्यू क्या होती है 1, 0, 0, 1 क्लियर। ए की वैल्यू अब यहाँ नहीं लिखना अपने को, ये ए ही रह जाएगा, इसको ए ही रखेंगे हम ठीक है, इसको ए ही रखना है, इसको बदलना नहीं क्लियर, लास्ट तक ए ही चलते रहेगा। अब देखो हमें क्या काम करना है कि ये जो ए है इसको हमें आई में कन्वर्ट करना है,
इसको आई में कन्वर्ट करते करते ये खुद ही ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमने एक फार्मूला पढ़ी थी ना, क्या पढ़े थे कि आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यही पढ़े थे। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि जो ए है इसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो ये खुद ही आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ए जैसा का वैसा रह जाएगा। तब मैं जहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये जो जिसमें बदल जाएगा वही ए इनवर्स की वैल्यू होगी। बस समझ रही है, समझ में आ रही है ना बात? चलो ठीक, तो इसको हम यहाँ से क्लीन करते हैं अभी। ठीक, क्या काम करना है अपने को, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अब इसको चेंज करना है, हमको संक्रिया भी लिखनी पड़ेगी, है ना, हमको संक्रिया भी लिखनी पड़ेगी। क्या संक्रिया लिखने वाले हैं, देखो ध्यान से, हम यहाँ पर करने वाले हैं, मैं संक्रिया को हमेशा नीचे लिखा जाता है तो मैं नीचे राइट करूँगा। ठीक है, ये ए हो गया। अब देखो यहाँ मैं क्या काम करने वाला हूँ कि आर टू के प्लेस में, है ना, कहाँ पर करेंगे इसमें कि आर टू के प्लेस में, आर टू के प्लेस में यानी आर टू टेस्ट टू ऐसा लिखते हैं, आर टू प्लेस के प्लेस में मुझे क्या काम करना है कि आर टू माइनस टू आर वन। बात समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आर टू के प्लेस में, आर टू टेस्ट टू बोले ना, मतलब ये जहाँ टेस्ट टू वाली कंडीशन आती है उसके प्लेस में कर रहे हैं हम। ठीक, आर टू में से यानी कि जो पंक्ति जो सेकेंड है, ये पंक्ति सेकेंड में से मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन में अगर टू का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो क्या होगा। देखो आर वन की जगह तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब वन और ए टू रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि आर टू में से, आर टू का एलिमेंट टू है, अब मैंने क्या बोला कि आर वन में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एकम दो, तो दो में से देखो इस दो में से दो एकम दो, दो गया तो कितना हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक, नहीं यही बात समझ में, देखो मैं क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि आर टू के प्लेस में आर टू की वैल्यू लिखो माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं आर वन में टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वन इंटू टू, मतलब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पर कि आर टू के प्लेस में ही तो ये है ना कंडीशन, तो क्या हो जाएगा माइनस वन जैसा का वैसा रहेगा, एंड टू का मल्टीप्लाई करने वाले यहाँ पर टू में, तो टू टू जा फोर होगा। बात समझ में आई? वैसे यहाँ पर भी करूँगा तो वन और जीरो जो का त्यों रह जाएगा, अभी हो जाएगा जीरो माइनस, क्या हो जाएगा, अब ये टू है हमारे पास तो कितना हो जाएगा, टू इंटू वन, मतलब टू ही रह जाएगा माइनस टू, अब ये वन हो जाएगा और टू इंटू जीरो मतलब जीरो, तो ये माइनस जीरो। ठीक, अब देखो इसको राइट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, वन टू, ये हो जाएगा दो एकम दो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये ऋण पाँच, ठीक, इज इक्वल टू, ये होगा वन ज़ीरो माइनस टू एंड वन। क्लियर हो गया इतनी बात, वन ज़ीरो एंड माइनस टू एंड वन, और ये ए का ये रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, संक्रिया समझ में आ रही है, संक्रिया होती है। ठीक है, ये संक्रिया है आपके पास। ठीक, अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं या संक्रिया करके लिख देते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखो या क्या लिख सकते हैं कि हम संक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पर, कि संक्रिया क्या है, कि संक्रिया क्या लग रही है हमारे पास कि आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस टू आर वन। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे बेटा यहाँ पर कि ये जो, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या काम करना है, अब मुझे इसको आई में बदलना था, है ना, आई में बदलना था, तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ आई में बदलने के लिए, देखो वन रह गया यहाँ तो ज़ीरो हो गया, यहाँ वन लाना है और यहाँ पर क्या लाना है मुझे, यहाँ पर ज़ीरो लाना है, मैं यहाँ पर क्या काम कर दूँ कि माइनस क्या कर दूँगा कि आर टू में, आर टू में मैं क्या काम कर रहा हूँ कि माइनस वन बाई फाइव से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यानी ये बात समझ लो कि हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि संक्रिया क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, कि संक्रिया जो हो रही है हमारी कि आर टू के प्लेस में, आर टू के प्लेस में क्या काम करने वाले हैं कि माइनस वन बाई फाइव का मल्टीप्लाई आर टू में करेंगे। आर टू के प्लेस में लिखना है और किस में मल्टीप्लाई करना है, आर टू में। ठीक है, तो आर वन तो ज्यों का त्यों रह जाएगा वन टू। अब देखो ज़ीरो में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़ीरो में मल्टीप्लाई किसका करता हूँ, माइनस वन बाई फाइव का करता हूँ। मैं ये पहला गणित है इसलिए इसको थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन से हम थोड़ा स्मॉल चलते रहेंगे, है ना, साठ। अब देखो ये माइनस फाइव पहले से है इंटू माइनस वन बाई फाइव। क्लियर, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन ज़ीरो, ये माइनस टू इंटू माइनस वन बाई फाइव, दोनों साइड करते हैं। ठीक, और क्या हो जाएगा वन इंटू माइनस वन बाई फाइव। क्लियर, अब देखो यार अब कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये रहेगा ए, देखो ये वन हो गया, ये टू हो गया, जब जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और ये फाइव से फाइव कैंसिल तो वन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा वन, ये होगा ज़ीरो, ये होगा आपका माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन, सॉरी टू बाई फाइव, टू बाई फाइव, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव। क्लियर, अब क्या काम करेंगे बेटा हम, नेक्स्ट कंडीशन, है ना, नेक्स्ट कंडीशन जो लिखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको राइट कर देते हैं, ये इज इक्वल टू ए होगा, अब नीचे यहाँ जगह नहीं हमारे पास, यहाँ संक्रिया लिख देते हैं। संक्रिया क्या होने वाली है, संक्रिया, यहाँ संक्रिया क्या काम करने वाले हैं हम, कि क्या कर सकते हैं संक्रिया में बेटा, यहाँ पर देखो
अब इसे किस में बदलना है, मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या एक काम ये कर सकता हूँ कि R2 में यानी कि R1 के प्लेस में, R1 के प्लेस में मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 के प्लेस में R1 माइनस अगर 2R2 कर दूँ तो ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि R1 के प्लेस में R1 जैसा का वैसा मतलब 1 रहेगा माइनस 2R2, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 2 जीरो कहते हो, फिर माइनस है तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई R2 में किया तो ये 2, ठीक है 2 अंजा 2 हो जाएगा ठीक, ये जीरो और ये वन तो जो कहते हुए रहेगा तो होगा वन माइनस है ना, वन माइनस क्या काम कर रहे हैं यार कि टू इन टू, तो जो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर अपान फाइव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका जीरो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टू अपान फाइव, ये होगा टू अपान फाइव और ये हो जाएगा माइनस वन अपान फाइव। सो आई राइट नाउ, अब इसको क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बोलो, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा जीरो, सॉरी वन माइनस जीरो वन, ये जीरो और ये जीरो और ये वन, हो रहा है कि नहीं ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा कि पाँच एकम पाँच, पाँच में से चार गया एक बटे पाँच, तो एक बटे पाँच हो गया। फिर उसके बाद इसको अगर हल करते हैं आप तो कितना हो जाएगा दो बटे पाँच, कितना हो गया दो बटे पाँच हो गया, उसको हल करोगे तो दो बटे पाँच और ऋण एक बटे पाँच, ठीक है तो जाएगा दो बटे पाँच और ऋण एक बटे पाँच और ये ए हो गया ठीक। अब मैंने भी आपको बताया था कि क्या होता है, क्या होता है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये किस में बदल गया अब आई में बदल गया, जब ये आई में बदल गया तो ये ए इनवर्स हो गया और ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपान फाइव टू अपान फाइव टू अपान फाइव एंड माइनस वन अपान फाइव, क्लियर है। चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं आप चूँकि क्या होता है आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू ए, ये होता है इस कारण से और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे समझे हमने इसको, आपको भी ऐसे ही बनाना है। देखो मैंने यहाँ पर तो एकदम मतलब हर कंडीशनों को लिख लिख के बताया है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे ठीक है, थोड़ा सा शार्ट चलेंगे क्योंकि आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट है ना, और आपको थोड़ा तो शार्ट समझना ही पड़ेगा ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया एग्जाम्पल नंबर 23। अब हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर किसकी 24 की, एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 24 A इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 ओके, ये हमारे पास गिवन है। तब सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो इसमें किए थे कि A इज इक्वल टू आई ए के प्रयोग, ये प्रयोग से हो जाएगा ठीक, क्या होगा प्रयोग से A की वैल्यू रखो, चलो A की वैल्यू रख रहे हैं हम, क्या है 0 1 2 वन टू थ्री एंड थ्री वन वन ओके। अब क्या काम करेंगे बेटा हम, इज इक्वल टू आई की वैल्यू 100010 एंड 001 ओके, और ये हो गया ए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे हम कि इस ए को हमें आई में बदलना है, तो ये खुद ही खुद ये खुद ब खुद आई किस में बदल जाएगा, ए इनवर्स में बदल जाएगा। तो अब देखो यार यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू क्या कंडीशन होने वाली है ए, देखो यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं कि संक्रिया क्या लगाने वाला हूँ, कि संक्रिया संक्रिया क्या हो जाएगी कि R1 यहाँ पर R1 के जगह मैं R2 लिखने वाला हूँ और R2 के जगह R1 लिखने वाला हूँ ठीक। तो देखो ये वन ऊपर चला जाएगा तो वन वन टू थ्री, देखो फर्स्ट रो के जगह सेकंड रो, सेकंड रो के जगह फर्स्ट रो, मैंने नियम बताया था आपको तीन नियम ठीक है, कल बताया था ना तीन नियम, सॉरी कल बोलता हूँ इसी वीडियो में बताए थे हमने, तो हमने यहाँ पर तीन नियम देख लिए थे, वही तीनों नियम का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो ये इसमें बदल गया तो ये 012 ये 311 ठीक 010100 एंड क्या हो जाएगा 001 ठीक, ये बदल गया। अब देखो यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, अब इनको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है मुझे, इनको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या काम करूँगा नेक्स्ट कंडीशन में, देखो ध्यान से ये हो जाएगा आपका, अब मैं ए क्या बता रहा हूँ साठ बता रहा हूँ ठीक है, आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ मैं। अब संक्रिया क्या लगाएंगे हम, क्या कर सकते हैं इसको जीरो में बदल दूँ, बदल जाएगा यस। तो हम क्या काम करेंगे कि R3 टेस्ट टू, R3 के जगह में हम R3 के जगह में क्या करने वाले हैं बेटा, R3 के जगह में कि R3 के जगह में अगर हम ये काम करें कि R3 के जगह में R3 माइनस 3R1 कर दे तो क्या होगा, देखो 1 2 3 रह गया, 0 1 2 रह गया, लेकिन देखो R3 के जगह में हम क्या काम कर रहे हैं, R3 में से है
है ना, हम क्या काम करने वाले हैं कि आर वन में थ्री का मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। तो थ्री इंटू, देखो यहाँ थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा थ्री, यहाँ थ्री इंटू टू सिक्स है, यहाँ थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा। तो थ्री इन थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ थ्री हो जाएगा थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा वन है ना, वन हो जाएगा। और वन माइनस सिक्स कितना होगा, माइनस फाइव होगा, और ये हो जाएगा वन, वन और ये हो जाएगा नाइन, तो माइनस एट। ठीक, तो होगा ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, और ये हो जाएगा बेटा देखो इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस, सॉरी ये तो ज़ीरो ही है ना, मतलब ज़ीरो ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर करेंगे तो इसको माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो इसको वन ही रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन लिखने से पहले हम वही बना लेते हैं जो जिसकी आवश्यकता है हमें, ए रहेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये तो वन में बदल गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया है ना, अब ये कंडीशन हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, तो देखिए अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर ये वन है, ये वन है, अगर मैं एक बात ऐसी कर दूँ कि इसमें है ना आर वन के प्लेस में है ना, हम क्या करते हैं कि आर वन के प्लेस में अगर इसमें टू का मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर दे तो ठीक है, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, यस ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो क्या होगा ये संक्रिया लिख देते हैं यहाँ पर कि आर वन टेस टू आर वन माइनस टू आर टू, क्लियर इतना कि आर वन के जगह में हम आर वन में से टू आर टू करके घटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें टू का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़ीरो ही रहेगा, तो वन माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही होगा, सॉरी वन माइनस ज़ीरो वन होगा, वन होगा वन। ठीक, उसके बाद टू, इसमें टू का मल्टीप्लाई करूँगा, दो दूनी चार, सॉरी दो का मैं गुना करूँगा, दो एकम दो, दो में से दो गया तो शून्य। उसके बाद ये तीन है, इसमें दो का गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, दो दो दूनी चार, तो तीन में से चार गया तो ऋण एक। ठीक, अब ये हो जाएगा ज़ीरो वन टू, ये तो जैसे ही रहेगा ज़ीरो वन टू, और ये ज़ीरो माइनस फाइव, ज़ीरो माइनस फाइव एंड माइनस एट। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वन, मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे ना हम टू, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू, फिर ये आपका वन ही रहेगा और ये तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक, फिर ये वन ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस थ्री, ज़ीरो माइनस थ्री एंड वन हो जाएगा। ठीक, अब क्या काम करेंगे हम, देखो बहुत सी कंडीशन चेंज होते चल रही है। ठीक, अब हम क्या काम कर सकते हैं कि आर थ्री के प्लेस में है ना, आर थ्री के प्लेस को हल करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से क्या काम करेंगे कि आर थ्री के प्लेस में क्या कर सकते हैं, आर थ्री के प्लेस में अब यदि मैं यहाँ पर एट का मल्टीप्लाई कर दूँ, क्लियर है, देखो ना अगर मैं सॉरी इसमें अगर टू का मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना हो जाएगा, अगर इसमें टू का मल्टीप्लाई करता हूँ तो फोर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, फिर चेंज भी कर देंगे वैल्यू को, नहीं आर थ्री है ना, क्या काम कर लेंगे कि आर थ्री इंटू आर थ्री की जगह आर थ्री प्लस फाइव अगर करें तो कितना होगा, पाँच दूनी दस, और वो दो में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर दें इसको कि आर थ्री टेस टू आर थ्री प्लस कितना हो जाएगा फाइव आर टू, तो ये वन ज़ीरो माइनस वन जैसा का वैसा रहेगा। अब आर थ्री की जगह कर रहे हैं ना, तो इसको भी रखेंगे ज़ीरो वन टू जैसा का वैसा, आर थ्री की जगह में देखो क्या कर रहे हैं, आर थ्री प्लस फाइव आर टू, मतलब ये तो ज़ीरो ही रहेगा। फिर कितना हो जाएगा, फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे पाँच एकम पाँच, तो पाँच धन ऋण पाँच कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और पाँच दूनी दस, दस में से आठ गया तो दो। ठीक, चलो अब इसको देखो, तो ये माइनस टू वन एंड ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, अब देखो ये क्या हो जाएगा थ्री, फाइव को मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइव, और ये हो जाएगा फाइव को मल्टीप्लाई करो ज़ीरो, तो माइनस थ्री एंड ये वन ही रहेगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पर ए रहेगा ये, तो अब क्या होगा ये, अब क्या कंडीशन देगा ये हमको, तो देखिए हम क्या काम करेंगे अब यहाँ पर कि ये तो किस में वन में बदलना है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इसको अगर हमें वन में बदलना है तो हम क्या काम करेंगे कि इसको इसमें से अगर माइनस कर दे तो ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको अगर इसमें माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, वन में कन्वर्ट हो जाएगा, या टू से डिवाइड कर दे, तो हम क्या बोल देते हैं कि आर थ्री के जगह में वन अपॉन टू आर थ्री। ठीक,
तो जाएगा 1 0 -1 0 1 2 एंड ये 0 0 और ये 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, ठीक। ये -2 1 0 1 0 0 ये हो जाएगा 5/2, -3/2 और ये हो जाएगा 1/2, ओके 1/2 हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, अब इसको हमें तो 1 बदल गया था, चलो ठीक है, अब इसको हम क्या काम कर लेते हैं कि इसको हमें किस में बदलना है, 0 में, किस में बदलना है कि 0 में बदलना है। तो मैं ये काम कर लेता हूँ कि R2 के प्लेस में क्या काम करेंगे हम, R2 -2R3, ठीक। तो कितना होगा ये 1 0 -1, ये हो जाएगा 0, अब सॉरी R2 के प्लेस में ना, हाँ तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेगा, तो 0 ही रहेगा, इस भी 0 रहेगा, तो 1 -0 0 सॉरी 1 -0 1 एंड 2, ये 2 हो जाएगा तो 2 -2 = 0, ठीक। ये 0 1 0 सॉरी 0 0 1, ठीक। ये कितना हो जाएगा -2 1 एंड 0। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे थे हम R2 के प्लेस में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 1 -5 कितना हो जाएगा -4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल तो 1 माइनस तो -1, और ये जाएगा 5/2 -3/2 और ये 1/2 होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इस संक्रिया में, बोलो जल्दी से, आप देख करके बता दो। इसको 0 में बदलना है तो मैं एक काम कर दूँ कि अगर R1 के प्लेस में R1 टेस्ट टू R1 प्लस R3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका बेटा R1 की जगह में इसमें 0 को ऐड करो तो 1 ही रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा, -1 + 1 ये कितना हो जाएगा आपका 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब इसको देखो ये अब इसको आप हल कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -2 है तो ये हो जाएगा 2 2 4 तो 1/2, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2 1 2 तो -1/2, फिर हो जाएगा आपका जोड़ रहे तो 1/2 ही रहेगा, फिर ये आपका -4, ये 3 -1, ये 5/2, ये -3/2 और ये 1/2, और ये 1/2 हो गया, ठीक। अब देखिए ये आई में कन्वर्ट हो चुका है, अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, आई में कन्वर्ट हो चुका है, तब मैं बोलूँगा ये जो कंडीशन दिख रही है मुझे ए इनवर्स दिख रही है, मतलब अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर है ना, कहाँ पर लिख ले इसको, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, चलो ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पर कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है बेटा बोलो जल्दी से, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिख रहा है 1/2 -1/2 फिर 1/2 फिर -4 3 -1 एंड 5/2 एंड -3/2 एंड 1/2, ओके ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा एक्सरसाइज क्या देख रहे थे कि 3.4 का हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब हम बात करेंगे बेटा 3.4 का सॉल्यूशन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।